से रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए होती है कि आप लोग का 100% वोट करें और नोटा पर वोट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स ऑनलाइन, मैं हूं गौरव। इस समय हम हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल में हर सम्मेलन ऐसा ही है जो इसलिए प्रचार कर रहा है ताकि लोगों की भूमिका पर वोट न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता सनी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विद्यार्थी परिषद नोटा के अनुरूप प्रचार कर रहा है। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह है बीजेपी क्यों ये कह रही है कि नोटा पे लोगों की वोट ना? बंगाल में जो राजनीतिक चुनाव का जो माहौल है, इस माहौल में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सभी तमाम पार्टियों ने अपने अपने छात्र यूनियन को राजनीतिक विचार के लिए झोंक दिया। विद्यार्थी परिषद किसी दल के लिए या किसी पार्टी के लिए चुनाव में नहीं थी। सभी जितने भी मतदाता संघ हैं उन सभी को से रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए होती है कि आप लोग का 100% वोट दीजिए और नोटा पे वोट करें। नोटा पे वोट नहीं देने का कारण इसलिए है कि ये जनगण जो है, जनगण के प्रतिनिधि जो आते हैं वो 100% वोट पाकर आते हैं, 100% वोटिंग वोट को प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि बंगाल इलेक्शन से जो 80% 70% वोटिंग हो रही है, इस वोटिंग में मैक्स टू मैक्स आप 20% भी अगर वोटिंग नोटा पे जा रही है और 40% से जनगण के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो सोचिए कि 100% में जहाँ से लोग चुनकर आते हैं वहाँ पे सिर्फ 40% से चुनकर आ रहे हैं। ऐसे प्रतिनिधि जिनको लोग नहीं देखना चाहते या नहीं मानना चाहते हैं, तो वैसे ख़राब प्रतिनिधि आप अगर चुनकर विधानसभा में जाए तो ये ख़राब मैसेज जाएगा समाज के। तो इसीलिए हम लोग ने लोगों से निवेदन किया कि आप लोग नोटा पे कृपया करके वोट ना दीजिए। नोटा की जगह आप अगर किसी भी दल या किसी भी पार्टी हो जो आपकी मर्जी उस पर वोट दीजिए, जिससे समाज को एक ये विधानसभा इलेक्शन को उत्सव के रूप में मनाया जाए। ये उत्सव में आपकी भी भागीदारी है। आप उत्सव से हटकर नोटा में वोट दीजिएगा कि ये समाज में जो उत्सव चल रहा है मैं उत्सव पालन नहीं करूँगा, ये गलत है। आप वोट दीजिए नोटा पे वोट नहीं देकर किसी पार्टी या दल के। इसके अलावा क्या वजह है कि क्योंकि नोटा का एक अलग से बटन होता है, तो वो बटन होने के बावजूद चुनाव आयोग ने तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, सरकार भी कह रही है नोटा होना चाहिए, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये अगर गलत था या इसका उपयोग नहीं था तो नोटा होना ही नहीं चाहिए? देखिए, नोटा सुप्रीम कोर्ट के कानून के बाद इसे लाया गया। बाद में अभी इसका उपयोग गलत तरीके से या गलत माध्यम से किया जाता है। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के में बात कर लो तो किसी पार्टी के पार्टी को या किसी लोग को वहाँ पर चुनाव में टिकट नहीं मिला, वो क्या करते हैं, उनके विरोध में जाकर सभी मतदाता से निवेदन करते हैं कि आप नोटा पे वोट दीजिए, मेरे दल को नहीं दीजिए या उनके दल को नहीं दीजिए, आप लोग नोटा पे वोट। ये गलत काम करने का हथियार बन गया है नोटा पे।